हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। वीडियो में मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड की बात करने की कोशिश करेंगे। रिजल्ट आया है इसका, Q4 2020 का जो रिजल्ट है उसको बात करने की कोशिश करेंगे और शेयर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में ये जैसे 100 रुपीज़ के आसपास कारोबार कर रहा है, क्या ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है, तो इसकी बात करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी अच्छा इसने पिछले 2-3 महीने में रिटर्न भी दे दिया है, जो ऑटो सेक्टर के जो बड़े दिग्गजों ने नहीं दिया, बट इसने काफ़ी अच्छा ऊपर की तरफ गया। एक तरह से ये जो ऊपर के लेवल में फंसे हुए थे तो 100 रुपीज़ के आसपास तो आ ही गया, और अब अनलॉक वन चल रहा है तो धीरे धीरे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलेगा और इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। ऑटो सेक्टर के जो प्लांट्स हैं वो खुल रहे हैं और आप देख रहे हैं कि मारुति में भी तेजी है। करेक्शन होगा तो उनमें भी करेक्शन हो सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ इफेक्ट तो रहेगा ही कोविड-19 का, और लगभग मान के चलिए ये 6 से 1 साल तक रहने की उम्मीद रहेगी। धीरे धीरे डिमांड आएगा, बट जो ऑटो सेक्टर के कंपनियां हैं वो काफ़ी अच्छा कस्टमर्स को लुभाने के लिए काफ़ी अच्छा अच्छा प्लान भी ला रहे हैं। आप देखेगा 5,000 में आपको गाड़ी भी मिल जाएगी, तो उसके अनुसार आने वाले समय में अगर सेल्स अच्छी रहेगी तो फिर ऑटो सेक्टर के शेयर एक बार गिरने के बाद काफ़ी तेज भी हो सकते हैं। उसमें से मदरसन सुमी को फ़ायदा ये रहेगा, क्योंकि ये आप जानते हैं कि ऑटो रिलेटेड कंपनी है, मदरसन सुमी सिस्टम इसका नाम है और इंटरनेशनली कारोबार है इनका। स्टॉक भी 100 रुपीज़ के आसपास आया है। इस वीडियो में Q4 का जो रिजल्ट आया उसके अनुसार इसकी बात करने की कोशिश करेंगे, डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, प्लस ये आने वाले दिनों में किस तरह का कारोबार कर सकता है, अगर इसमें गिरावट होती क्या फिर से खरीद लेना चाहिए, जिन्होंने 60-70 रुपये में लिया है क्या उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म के लिए बना रहना चाहिए, तो ये सारा डिस्कशन चार्ट के अनुसार देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसका जो रिजल्ट है, जैसे आप ये ट्रेडिंग हो रही है 4 जून 2020 को ये ट्रेडिंग हो रही है, लगभग 100 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है और 1% नीचे की तरफ है, क्योंकि निफ्टी में थोड़ी सी गिरावट है, जिस तरह से बढ़ा है तो उसके अनुसार आज प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हैं, हो सकता है थोड़ा सा आप करेक्शन देखें। तो सबसे पहले इसका रिजल्ट देखते हैं, Q4 2020 का जो रिजल्ट है उसको देखने की कोशिश करते हैं और इसका समझने की कोशिश करते हैं रिजल्ट किस तरह का रहा। देखिए, मदरसन सुमी का लगभग जो मार्केट कैप है इस वक्त 31,531 करोड़ का है, और जो डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा है इनका, और डिलीवरी वाइज देखिए 30% के आसपास है, बट 100 रुपीज़ के आसपास थोड़ा सा अब कॉशस रहने की ज़रूरत है इसमें। देखिए, ये क्वार्टरली रिजल्ट है मदरसन सुमी का और सेल्स जो ये 15,159 करोड़ का रहा है और करोड़ में है ये मार्च 2020 में, और पिछले मार्च में लगभग 17,170 करोड़ का था, तो सेल्स में तो कमी पेशी है। देखिए, लगभग आप मान के चलिए 2,000 करोड़ का कम हुआ है सेल्स कोविड-19 की वजह से, और दिसंबर में देखिए 15,661 के, यानी मीन्स दिसंबर के आसपास के ही है, 500 करोड़ में कमी है, और अदर इनकम में देखिए 15 करोड़ का है, पिछली बार 68 करोड़ का, तो अदर इनकम में भी कमी पेशी है, और टोटल में है 15,174 करोड़ का और पिछली बार था 17,237 करोड़, यानी मीन्स लमसम 2,000 करोड़ की कमी है और इसमें भी लगभग 500 करोड़, तो स्टॉक का भाव तो ऊपर की तरफ ही है। अब अगर टोटल आप इनका खर्चा भी देखेंगे 14,560 करोड़ का और इसमें कुछ ज़्यादा हुआ है लगभग 16,478 करोड़ का और इसमें 15,119 करोड़ का, तो इन लोगों ने अभी एक्सपेंडिचर कम किया है, तो उसके वजह से देखिए नेट प्रॉफिट में इनका रहा है लगभग 144 करोड़ इनको प्रॉफिट हुआ है। देखिए, नुकसान में कंपनी नहीं है, लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से जिस तरह से ऑटो सेक्टर में प्रॉब्लम आई है, तो मदरसन सुमी ने एक तरह से प्लस में दिया, 144 करोड़ रुपया प्रॉफिट है और 408 करोड़ पिछली बार था दिसंबर 2019 में 318 करोड़, तो ठीक ठाक है, और बट स्टॉक में एक तरह से आप जो मार्च में गिरावट रही है इसमें लगभग 54 और 55 रुपये के आसपास था ये, तो वहाँ पे भी एक ट्रेडिंग बेस लेने की कोशिश थी लगभग 80-85, और अच्छा खासा ये गेन भी हो गया, देखिए अपना 100 रुपीज़ के आसपास तक आ गया है। अगर इसमें गिरावट होती है जैसे रिजल्ट के हिसाब से देखिए तो देखिए लॉस में नहीं है कंपनी, प्लस में ही है, बहुत सारी कंपनियां अभी आपको दिख रही होंगी माइनस में है। कल आपने देखा होगा कि एक इंडिगो का पोस्ट किया था तो उसमें माइनस में था, तो उससे थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, और आने वाले दिनों में आपको
मीडिया सेक्टर से जैसे PVR है, आइनॉक्स है, उनमें कमजोरी दिख सकती है। तो इन शेयरों में COVID-19 की मार आने वाले दिनों में पड़ सकती है, बट ऑटो सेक्टर में अगर आप बड़े दिग्गजों में हैं, मारुति में हैं या फिर हाई रिस्क हाई गेन टाटा मोटर में है, महिंद्रा एंड महिंद्रा में हैं, तो ऑटो कंपोनेंट में अगर मदरसन सुमी को आप देखते हैं, ये बड़ा अच्छा ट्रेड भी कराता है और इन्वेस्टमेंट जो निवेशक हैं उनको काफ़ी बेहतरीन रिटर्न भी दिया है इसने। और पिछली बार लगभग 100 रुपीज़ से 140 रुपीज़ तक ये जा रहा था और कोशिश हो रही थी कि जो ऑटो सेक्टर है वो थोड़ा सा गेन हो। 2019 में ही से ही ऑटो सेक्टर में प्रॉब्लम रही है और गवर्नमेंट चाह रही थी कि कुछ ऑटो सेक्टर के लिए किया जाए, बट ये COVID-19 की वजह से अब प्रॉब्लम्स आई हैं सारी कंपनियों में। तो धीरे धीरे अनलॉक 1 अभी चल रहा है, फिर 2 चलेगा, फिर 3 चलेगा, इस तरह से गवर्नमेंट कोशिश कर रही खोलने के लिए पूरा। तो उसमें से अगर आप कोई स्टॉक देख रहे हैं तो मदरसन सुमी को देखने की कोशिश करनी चाहिए। अब इसका आप लोगों को चार्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, उसके अनुसार समझते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह का ये ट्रेड कर सकता है। ये मदरसन सुमी का चार्ट लगा हुआ है और ये डेली वाइज चार्ट लगा हुआ है, इसमें कुछ RSI भी लगाने की कोशिश है और मूविंग एवरेज लगाने की कोशिश है और लगभग 99 के आसपास है। और दोस्तों एक चीज़ आप लोगों को ये बताने की कोशिश करें, कोई भी स्टॉक का अगर एनालिसिस होता है तो उसको चार्ट के द्वारा फंडामेंटली सारा कुछ देखने के बाद ही बताने की कोशिश की जाती है। इस चैनल से कोशिश की जाती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिसर्च की जाए, उसके बारे में जानकारी की जाए कि और सेंटिमेंट के बारे में जाना जाए और लॉजिक क्या हो रहा है वो जाना जाए। देखिए मार्केट में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, सेंटिमेंट और लॉजिक। आपने किसी भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके उसका सेंटीमेंट और लॉजिक क्या चल रहा है तो वो जानने की बहुत जरूरत। काफ़ी लोग देखिए स्टॉक के बारे में रिसर्च नहीं करते हैं, बट ये है कि वो उनका अनुमान है, अपने अनुसार सोचते हैं। तो इस चैनल में ज़्यादातर आप देखते होंगे कि जब लोअर लेवल पर स्टॉक होता है तो उसको सर्च करने की कोशिश की जाती है, देखने की कोशिश की जाती है कि आने वाले समय में क्या अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो मदरसन सुमी में भी यही रहा है और लगभग 80-85 रुपीज़ तक का था ये, और जब ये ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा था लगभग 100 से 130-140 तक, तो उस रेंज में बताने की कोशिश है कि लगभग 100 के आसपास से और 130-140 में बेचने की कोशिश करें तो काफ़ी अच्छा ट्रेड भी करा रहा था। फिलहाल देखिए इसमें 99 के आसपास है और इसमें देखिए अब ऊपर के लेवल पे लमसम ये 105 और 107 जो इसमें ट्रेड करते होंगे वो ध्यान होगा कि ये लमसम 105 और 107 के आसपास तक आता था, फिर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता था। तो इसमें यही है कि अगर तेज़ी होती है निफ्टी में और जिस तरह से भी, तो डेली वाइज में 105 रुपये इसका हडल दिख रहा है। आपको मंथली वाइज दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि मंथली वाइज थोड़ा सा समझ में ज़्यादा आता है। देखिए ये मंथली वाइज लगे हुए हैं, तो डेली वाइज जैसे मंथली मीन्स कहने का मतलब एक दो महीना तीन महीने के लिए, जैसे देखिए ये ऊपर के लेवल से लमसम 152 से गिर रहा था, तो वही बताने की कोशिश थी। अभी 107-110 तक आता था, वो 130 और 140 तक जाने की कोशिश करता था, तो ये अभी 100 रुपये के आसपास है। नेक्स्ट इसका टारगेट जो होगा हडल होगा 107 और 110 रुपये। अगर ये 110 रुपये के ऊपर क्लोजिंग देता आने वाले एक महीना दो महीना तीन महीना चार महीना या पाँच महीना छः महीने के बाद, तो मान के चलिए ये 140 चला जाएगा। तो जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है लमसम, मान के चलिए आप 60-70 रुपये 80 रुपये पर लिया है, तो उनको कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और अभी 107 और 108 में इसका हडल होगा और नीचे की तरफ का देखिए, अगर स्टॉप लॉस अगर नहीं आप बेचना चाहते तो स्टॉप लॉस एक जो होगा, ये कैंडल इसका बन रहा है जून में अभी, और लमसम मान के चलिए आप 97 तो बहुत नज़दीक का हो जाएगा, 94 का एक स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश है, 94 या 93 का, क्योंकि प्रॉफिट नहीं जाना, अल्टीमेटली प्रॉफिट नहीं जाना चाहिए। तो रिजल्ट के हिसाब से देखिए कमी पेशी है, अगर मार्केट में गिरावट होती तो ये भी स्टॉक नीचे की तरफ आएगा। और जैसे कि ऑटो सेक्टर में अभी दिक्कतें रहेंगी और ये मान के चलिए कि जब फेस्टिवल आ जाएंगे तो उसमें फिर जब बढ़ने की कोशिश करेंगे ऑटो सेक्टर्स, तो मदरसन सुमी में भी उसी तरह से बढ़ेगा। तो फिलहाल इसका 90 या 93 का आप स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश करिए, ये मंथली वाइज बताने की कोशिश है। डेली वाइज में थोड़ा सा अलग हो जाएगा, 97 का लगाने की कोशिश करिए या 95 की, और इस वक्त इसका 90 का लगाने की कोशिश करिए। और इसमें भी RSI काफ़ी 42 के आसपास है और ये काफ़ी ऊपर के लेवल पे 2017 में था ये 76 के आसपास, तो मान के चलिए लॉन्ग टर्म के लिए ये इसमें बने रहना चाहिए। और जो इसको लेना चाहते हैं
अगर मार्केट में आने वाले समय में लमसम मान के चलिए जून के बाद या जून 20 के बाद 15 के बाद एक गिरावट हो सकती है, जिस तरह से निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है और हो सकता है यहाँ से भी और ऊपर की तरफ जाए, तो ये लमसम मान के चलिए अगर आपको ये कैंडल है जैसे ये 47 का है और ये 57 और ये 74 यहाँ पे अगर मिलता है तो यहाँ से डेफिनेटली इसको बाय करने की कोशिश करनी चाहिए, कुछ परसेंटेज के हिसाब से बाय करने की कोशिश करनी चाहिए मदर संसो में 70 रुपये के आसपास, क्योंकि हो सकता है आपको यहाँ लोअर लेवल पे मिल सकता है ये। और इसके दो हडल जो ये मूविंग एवरेज हैं जैसे इसी के आसपास 105 106 उसके बाद 109 और उसके बाद सीधे 137, ये मूविंग एवरेज के अनुसार दिखाने की कोशिश है। बीच में भी छोटे छोटे हडल मिलेंगे आपको और ये आपको मान के चलिए एक महीना दो महीना तीन महीना छः महीने का आपको जो डाटा है वो दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि मंथली कैंडल है ये। देखिए ये मदरसन सुमी का आप लोगों को सिंपल सा एक चार्ट बताने की कोशिश थी। फिलहाल ये जो ऊपर की तरफ भी गया, एक चीज़ और बताएं कि ये वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ नहीं गया है, क्योंकि जो गया है ये एक तरह से उम्मीद के कारण ऊपर की तरफ गया है कि लॉकडाउन अब अनलॉक हो जाएगा तो उसके वजह से ऊपर की तरफ गया है, तो वॉल्यूम नहीं है तो डेफिनेटली इसमें एक गिरावट आएगी और वो लमसम आएगी 70 रुपीज़ के आसपास। हो सकता है एक पैनिक सेलिंग भी आपको नीचे की तरफ दिखे, तो उसमें देखिए जब गिरता है स्टॉक तो आपको परसेंटेज वाइज बाई करने की कोशिश करनी चाहिए, कुछ 5% 10% इस तरह से। उस वक्त गिरना, उस वक्त डरना नहीं चाहिए, उस वक्त ये सुनना चाहिए कि हमको दो महीना तीन महीना चार महीने के बाद अच्छा मिल सकता है। मदरसन सुमी एक अच्छा काउंटर रहा है, एक अच्छा शेयर है ये, और आप देखें तीन महीने के अंदर एक तरह से डबल हो गया। फिलहाल तो 50 रुपीज़ किसी ने नहीं खरीदा होगा क्योंकि ऊपर के लेवल फंसे होंगे ज़्यादातर, कुछ हिम्मतें होंगे 70 रुपया 80 रुपये के आसपास, या खरीदा किसी ने तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा 88 और 90 रुपये प्रॉफिट भी बुक कर लिया होगा। तो 100 रुपीज़ के आसपास अगर गिरावट होती है तो इस करेक्शन होता है तो इसको बाय करने की कोशिश करनी चाहिए, और संभावना पूरी है कि दो तीन साल में अच्छा खासा रिटर्न भी दे सकता है मदरसन सुमी। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया रिजल्ट देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।